हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। बड़ा सिंपल चैप्टर है, ऑलमोस्ट ऐसे समझ लें कि ये चैप्टर नंबर 4 में आपने इसकी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, पर फिर भी डेफिनेटली एक अलग फिनोमेना है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वी विल स्टार्ट विथ द वर्ड टॉर्क। टॉर्क बुनियादी तौर पर है क्या, ठीक है? टॉर्क को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर हम टॉर्क को सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से लें, तो बड़ा सादा कॉन्सेप्ट इसका यही होगा, द टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। द टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको हम सिंपली किस तरह से डिफाइन करेंगे, दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क इज द टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, टॉर्क क्या करता है? किसी भी बॉडी को रोटेट करता है, आप सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को आप थोड़ा टर्निंग अफेक्ट दें, टर्न कराने के लिए जो आप असर देते हो ना इस तरह से, तो क्या होगा, टर्निंग एजेंट देने की वजह से दिस मार्कर हैज एबिलिटी टू रोटेट, मतलब दिस मार्कर कैन रोटेट एज वेल। तो जो टर्निंग अफेक्ट होता है उसको हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज द टॉर्क। मिसाल के तौर पे आप जनरेटर की बात करें, जनरेटर को चलाने के लिए क्या होता है, एक टर्निंग अफेक्ट देते हैं हम, जो सेल्फ होता है बैटरी के थ्रू, मोटर होता है वो उसको चलाता है। जो आम तौर पे जो मैन्युअली होते हैं, मैन्युअली स्टार्टेड जनरेटर्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रस्सी वस्सी होती है इस तरह से, जैसे आप उसको ऊपर की तरफ इस तरह से खींचते हैं या बाहर की तरफ खींचते हैं, तो एक टर्निंग अफेक्ट है जो कि आप प्रोड्यूस करते हो। तो जहां पे टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स की बात हो, दैट मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर की बात कर लेते हैं। भला मिसाल के तौर पे कोई स्क्रू आपने खोलना है ना, तो डेफिनेटली आपको शुरू में एक झटका देना पड़ता है ना, या इस तरह से जो स्क्रू ड्राइवर है वो आपने वहां पे लगा दिया, एंड देयर आफ्टर व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रोड्यूस अ टर्निंग अफेक्ट। आप इस तरह से खींचते हैं इस तरह से ना, तो जो नट बोल्ट वगैरह जो भी होता है वो थोड़ा बहुत लूज हो जाएगा, और इस तरह से आप उस चीज को आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क, ठीक है। अच्छा, टॉर्क क्या करता है, टॉर्क क्या कर सकता है? सिंपली हम सिंपली कह सकते हैं टॉर्क इज एन एजेंट विच टर्न और टेंड्स टू रोटेट द बॉडी, इस तरह से आप सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि फोर्स का काम क्या है, फोर्स कैन मूव द बॉडी और टेंड्स टू मूव द बॉडी, इसी तरह से जो टॉर्क है इट कैन टर्न और टेंड्स टू टर्न द बॉडी। तो जो चीजें आप एक फोर्स के लिए डिस्कस करते हो ना, दीज आर इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल फॉर द टॉर्क एज वेल। मतलब जो चीज आप फोर्स के लिए करते हो, फोर्स का काम क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी को एक्सेलरेट कराना। टॉर्क का काम क्या है, रोटेटरी मोशन में या सर्कुलर मोशन में किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं दिस इज एनालॉगस ऑफ फोर्स, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ, वी कैन से टॉर्क, ओके। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, या इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ भी आना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा। बेटा देखें, मिसाल की तौर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी, इस जगह पे हम एक फोर्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन पहली बात ये कि ये पोजीशन पी जो है कितना ओरिजिन से दूर है। मिसाल की तौर पे हम कहते हैं ये आर डिस्प्लेसमेंट वो है जो जितना ये दूर है, मतलब एट पॉइंट पी एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर हम यहां पे एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं। यू आर अप्लाइंग अ पर्टिकुलर फोर्स हियर, आप एक फोर्स यहां पे अप्लाई करेंगे, फिर हम ये देखना चाहते हैं कि उस अप्लाइड फोर्स का जो असर होगा वो किस तरह से होगा, ये हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल की तौर पे इस जगह पे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया, और जो फोर्स मैंने लगाया है ना वो इस तरह से ऐसे है, ये वो फोर्स है जो हमने यहां पे अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी वेक्टर की बात करते हैं, एंड वेन एवर एनी वैक्टर इज मेकिंग एनी एंगल थीटा विथ योर रेफरेंस प्लेन, तो सिंप्लीफिकेशन किसी भी वेक्टर की करना जरूरी होती है। इसका मतलब ये कि आप उस वेक्टर को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उनको रिजॉल्व करके पेश करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पे भी कुछ ऐसा होगा कि आप ये करें, अब
अप्लाइड फोर्स जो एफ है दैट इज एट एन एंगल थीटा, आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इनको सिंप्लीफाई करें। तो व्हेन यू गो थ्रू, जब आप इस तरह से जाएंगे रेजोल्यूशन की तरफ, तो आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिलेंगे। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा, कॉस थीटा या एक्स कंपोनेंट। दूसरा वाला क्या होता है, आप सिंपली कह सकते हैं दैट इज द वाई कंपोनेंट, या हम बात करेंगे एफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो डायग्राम है इसमें हमने फोर्स कहां पे लगाया, कौन सी जगह पे लगाया है, वी हैव अप्लाइड द फोर्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, ये वो जगह है जहां पे मैंने एक फोर्स लगाया। थोड़ा इसको प्रैक्टिकल हम देखना चाहते हैं, ये मैंने जो डायग्राम बना लिया उसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा सुनो, मिसाल के तौर पे एक रॉड है, ये है एक रॉड, ठीक है। अच्छा इस रॉड को आपने किसी एक जगह पे फिक्स किया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैंने इस रॉड को यहां पे इस जगह पे फिक्स किया हुआ है, तो यू नो ये जो रॉड है ये क्या कहलाती है, दैट इज काइंड ऑफ लीवर, इसको हम बोलेंगे कि ये एक लीवर है, ठीक है। अच्छा लीवर में जो फिक्स्ड पोजीशन होती है दैट इज द पोजीशन ऑफ फल्क्रम, इसको हम कहते हैं ओरिजिन पोजीशन, या हम इसके लिए बात करेंगे दैट इज द फल्क्रम पोजीशन, ठीक है। अच्छा अब ये है कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड, बट डू रिमेंबर हम जो फोर्स लगाते हैं ना वो इस पर्टिकुलर जगह पे लगा रहे हैं, और जो पोजीशन है जिस पोजीशन पे आप लोग फोर्स अप्लाई करें, मिसाल के तौर पे ये पोजीशन पी है, ठीक है। अच्छा तो सुने जरा दोबारा से बेटा, इस जगह पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, कुछ इस तरह से। नाउ ओरिजिन से लेकर फिक्स्ड पोजीशन से लेकर उस जगह पे जिस जगह तक आप फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर आर, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट हेयर इन द केस ऑफ द लीवर इज कॉल्ड एज मोमेंट आर, या लीवर के हिसाब से हम इसको फोर्स आर्म भी कह सकते हैं, या आप इसको लीवर आर्म भी कह सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूं, एक रॉड थी दैट वॉज फिक्स्ड एट ओरिजिन या फल्क्रम, एंड हेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आप पोजिशन वैक्टर आर के साथ जो शो करते हो ना, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से मोमेंट आर्म, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से फोर्स आर्म, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से लीवर आर्म। चलो ठीक है। अच्छा ये रॉड की जो एग्जाम्पल है ना वो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरह से बनाई है। Do remember, ये जो लेंथ ऑफ रॉड है या जो मोमेंट आर्म है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आर। जिस जगह पे आप फोर्स अप्लाई करें वो पोजीशन पी, वो एग्जैक्टली कुछ इस तरह से ऐसे है। द फोर्स वॉज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा, तो ये देखें जरा, फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा। तो पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको ये मिलेगा कॉस थीटा वाला, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको इस तरह से मिलेगा साइन थीटा वाला। चले अब मुझे आप ही बता दें, थोड़ा देखें इधर, मिसाल के तौर पे इन प्रैक्टिकल ये एक रॉड है दैट वाज फिक्स्ड एट दिस पोजीशन, व्हाट वी डू, वी आर अप्लाइंग द फोर्स ओवर हियर, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना वो अपनी मर्जी के साथ किसी भी एंगल पे लगा रहे हैं। अच्छा हम करते क्या हैं, मैंने अभी आपको बता दिया कि यू गो थ्रू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो हमने देखा कि आपके यहाँ दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। अच्छा एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, बिल्कुल देखें जरा, बिल्कुल इसी तरह से ना, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है दैट वुड बी एग्जैक्टली इन दिस वे। कैन यू टेल मी व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दीज कंपोनेंट। चलो अब हम देखते हैं चाहते हैं ये कि इन दो फोर्सेस का क्या असर हो सकता है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ दीज कंपोनेंट एक्चुअली। सी अच्छा एक्स कंपोनेंट किस तरह से काम करेगा, थोड़ा ये देखना लाजमी है, देख लेते हैं इसको। अच्छा एक्स कंपोनेंट ऐसे है, इसका मतलब ये कि अगर एक्स कंपोनेंट का बस चले तो एक्स कंपोनेंट इस रॉड को इस तरफ ले जा सकता है, पर चूंकि ये रॉड आपने यहां पे फिक्स की हुई है तो ये एक्स कंपोनेंट कुछ नहीं कर सकता। दोबारा से, एक्स कंपोनेंट हैज नो अफेक्ट ऑन दिस रॉड, एक्स कंपोनेंट का असर ही नहीं है क्योंकि ये फिक्स जो है मूव हो गए नहीं। अच्छा नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज अफेक्ट ऑफ वाई, वाई जो कंपोनेंट है उसका असर क्या है, थोड़ा उसको देखना लाजमी है। अच्छा वाई कंपोनेंट कुछ इस तरह से ऐसे है, अगर ये एक्टिव हो, अगर इसका बस चले
तो यू नो ये कुछ इस तरह से ऐसे घूम सकता है ना, या ये जो लीवर है आपका वो इस तरह से मूव हो सकता है, और जब इस तरह से मूव हो तो क्या हो सकता है, इट कैन कंटिन्यू टू रोटेट एक्चुअली, ये इस तरह से गोल घूम सकता है इस तरह से ना। तो एक टर्निंग इफेक्ट है जो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ, और ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया फोर्स के कौन से कंपोनेंट ने पैदा किया यहाँ पे, दैट इज द वाई। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि टॉर्क इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, या जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ है दैट इज ऑल बिकॉज वी कैन से वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अगर एक्स कंपोनेंट की बात करें ना, तो एक्स कंपोनेंट हैज नथिंग टू डू, इट कैन डिस्प्लेस द बॉडी, पर जैसा कि लीवर इज फिक्स्ड एट द फल्क्रम पोजीशन, तो इट वॉन्ट बी डिस्प्लेस्ड इन अकॉर्डेंस विद एक्स कंपोनेंट, इट वुड बी सिंपली इन दिस वे हैविंग अ टर्निंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ वाई। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये रॉड गोल घूम सकती है कुछ इस तरह से ऐसे, और जब ये गोल घूमेगी ना इस तरह से, तो इसमें एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है, दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज टॉर्क, वी कैन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये बना बेटा कि मैथमेटिकली अगर देखा जाए, अगर आप कोई भी फोर्स लगा दें, इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट मोमेंट आर्म, आप मोमेंट आर्म कह दें, आप पोजीशन वेक्टर आर कह दें, आपकी मर्जी है आर, देन व्हाट वी कैन से, इफ वाई कैन कॉज टर्निंग इफेक्ट। तो डू रिमेंबर कौन सा कंपोनेंट है जो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, दैट इज द वाई, और जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज द टॉर्क। तो उसी लिए हम लिखते हैं इस तरह से कि टॉर्क इज ऑल अबाउट, वी जनरली कैन से मोमेंट आर एंड वाई कंपोनेंट ऑफ योर अप्लाइड फोर्स। इसको यूं भी लिखा जा सकता है बेटा आर इंटू एफ साइन थीटा, और जब आप r into f sin theta लिखें तो थोड़ा इसको देखना भी लाजमी है, r खुद आपका क्या है, एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आपका, अच्छा अप्लाइड फोर्स भी आपका क्या है, एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन हो गई ना, एंड डू रिमेंबर टू वेक्टर्स आर नॉट मल्टीप्लाइड इन द सिंपल वे, दे कैन बी डन आइदर इन अ डॉट प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये कौन आपको गाइड करेगा कि डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा, तो इसको देखना ये पड़ता है कि भाई आपका रिजल्टिंग फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। इन दिस केस आई कैन से कि आर आपका पोजीशन वेक्टर है, अच्छा फोर्स आपका भी एक पोजीशन वेक्टर है, टॉर्क खुद एक पोजीशन वेक्टर है, टॉर्क खुद आपका एक वेक्टर है बेटा, दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोडक्ट कहलाएगी, दैट वुड बी द वेक्टर प्रोडक्ट। उसी लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज टॉर्क, टॉर्क कैन रोटेट द बॉडी, और अप्लाइड फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बॉडी को रोटेट कर सकता है, सो दैट वॉज द केस वी कैन से वाई कंपोनेंट ओनली। ठीक है, अच्छा तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आर इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल इन दिस केस। ओके, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट किस चीज का, मोमेंट आर्म मतलब आर का, एंड पोजीशन वेक्टर आपका आर के साथ कौन सा लगता है, फोर्स, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, चलो ठीक है, अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट क्या बना, वेक्टर बना, वेक्टर की खूबसूरती क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं ना, तो आप अगर डायरेक्शन के हिसाब से बात करें व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो बड़ा सिंपल है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि राइट एंड रोड, एंड अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर। इसका मतलब ये बना कि जो टॉर्क है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ अलोंग देयर प्लेन एज वेल। ठीक है, अच्छा किस तरह से आप डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यू मे रिकॉल योर चैप्टर नंबर 2 जब हम वेक्टर में पढ़ रहे थे ना, वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि वेन एवर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड क्लॉकवाइजली देन रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स नेगेटिव।
और इनवर्ड और डाउनवर्ड. अच्छा, व्हेनेवर वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंटी क्लॉकवाइजली देन वी फाउंड रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स अलोंग पॉजिटिव वाई और इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. सो एग्जैक्टली सेम फिनोमेना कैन बी इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल इन दिस केस. तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई टॉर्क आपका राइट हैंड रूल के मुताबिक या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या आपका एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. क्लॉकवाइज रोटेशन से रिजल्टेंट वेक्टर आपका नेगेटिव होता है, आपको याद करना चाहिए ना. उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क आपका नेगेटिव टॉर्क है. लेकिन इफ यू रोटेट या जो आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर आप पैदा करें तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बात की जाए तो डू रिमेंबर रिजल्टेंट बिकम्स पॉजिटिव आउटवर्ड या अपवर्ड बनता है. उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज टू बी पॉजिटिव वन. ठीक है, तो टॉर्क कैन बी आइदर क्लॉकवाइज, इट कैन रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट कैन रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल. ठीक है, अच्छा पहली बात ये. दूसरी बात ये कि टॉर्क आप एक्सल वेक्टर कह सकते हैं. एक्सल वेक्टर कौन से होते हैं? दो वेक्टर अगर आप मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट भी वेक्टर है. पर एक्सल वेक्टर यहां पे आप किस तरह से बात करेंगे तो थोड़ा देख लें. मिसाल के तौर पे थोड़ा देखें इधर, ये आपका पोजीशन वेक्टर मोमेंट आर्म था. अच्छा, आपने जो फोर्स लगाया वो ये लगाया ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका इस तरह से आउटवर्ड बनेगा. ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी आउटवर्ड, जो कि पॉजिटिव अभी आपने बता दिया. अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन हमेशा की तौर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल होती है. एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है? द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर अराउंड व्हिच बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो जो रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग ही बनेगा या उसके पैरेलल बनेगा. क्या मतलब है इसको देखना यहां पे, इधर देखिए बेटा. मिसाल के तौर पे व्हाट वी डू, वी रोटेट द बॉडी इन दिस वे, या फिर दूसरा ये कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं. अच्छा, ये एक टायर समझ लें. ठीक है, अच्छा ये इसका सेंटर है एंड द इमेजिनरी लाइन या जो लाइन सेंटर से पास हो रही हो अराउंड व्हिच दिस बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. आप इसको कह सकते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अच्छा, जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं ना तो अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल वी कैन से रिजल्टेंट विल रिमेन डायरेक्टेड इनवर्ड. तो आप सिंपली कह सकते हैं जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है जिसको अभी हम टॉर्क बात कर रहे हैं ना, दैट वुड बी डायरेक्टेड इनवर्ड ऐसे. बट इफ वी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज रिमेन आउटवर्ड और इज पॉजिटिव और इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो इन दिस वे वी कैन से कि एंटी क्लॉकवाइज में जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है. आप दोनों केसेस में देख सकते हैं बेटा द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. और जो वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन पे होते हैं उनका नाम हम क्या रखते हैं? एक्सल वेक्टर. तो टॉर्क इज वन ऑफ एक्सल वेक्टर वी कैन से. डू रिमेंबर टॉर्क इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. उसी लिए हम इसका नाम क्या देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सल वेक्टर. टॉर्क एक्सल वेक्टर आप कह सकते हैं बेशक. ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी इसके डायरेक्शन के हिसाब से हो गई. चलो, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा क्योंकि वेक्टर्स आर दोज व्हिच आर कंप्लीटली डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन का तो हो गया. अच्छा, व्हाट यू सजेस्ट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? अब थोड़ा इस पर बात हो जाए बेटा. तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से, अच्छा किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड के हिसाब से कैसे लिखा जा सकता है? We have done that would be R into F into sin theta. ऐसे लिखा जाता है. Now everything is clear from here. क्या कि भाई अगर आप theta की जगह zero रखेंगे तो sin zero zero, everything would be zero, मतलब torque zero बनेगा. Exactly in the same way, if you go through theta is equal to 90, तो torque would be maximum and पॉजिटिव. और जो पॉजिटिव टॉर्क है आपको मैंने अभी बता दिया कि दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो डू रिमेंबर आपका जो टॉर्क बनेगा दैट वुड बी पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा. ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली इन द सेम वे इफ थीटा इज इक्वल टू 180 साइन 180 जीरो है तो टॉर्क पैदा ही नहीं होगा. टॉर्क आप नहीं पैदा कर सकते, कोई भी नहीं होगा, मिनिमम होगा सिंपली. एंड
एंड इन द सेम वे इफ थीटा इज इक्वल टू 270 तो आप सिंपली कह सकते हैं टॉर्क इज सेड टू बी मैक्सिमम बट नेगेटिव. और ये वाला जो टॉर्क है ये कौन सा कहलाता है, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से क्लॉकवाइज. अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ये देखना लाजमी है, थोड़ा देख लें इधर. मिसाल के तौर पे मैंने जो अप्लाइड फोर्स है वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आर लगाया, मतलब एफ एंड आर आर पैरेलल ऐसे. यार देखें ना, जब हम इस तरह से फोर्स लगाएं, ये रॉड जो है ना, इस रॉड के हिसाब से अगर बात करें, मैं अगर इसी तरह से फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट नहीं करेगा ना. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब मैं इस तरह से फोर्स लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज रॉड इज फिक्स्ड एट द फुलक्रम पोजीशन, टॉर्क पैदा ही नहीं होगा भाई. ओके अच्छा, एंटी पैरेलल के हिसाब से सर कैसे होगा भाई? 180 का मतलब ये है कि यू नीड टू अप्लाई द फोर्स इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मोमेंट आर्म. इफ यू डू सो यू कैन नॉट रोटेट दिस पर्टिकुलर, नहीं होगा ना, कि जीरो पे ना 180 पे, कुछ भी नहीं होगा. चलो ठीक है, 90 पे वाला क्या सीन है, थोड़ा सिंपल है. अच्छा ये रॉड 90 पॉजिटिव प्लेन इस तरह से, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं 90 पे तो आपके सामने है, आप जरा इस मार्कर की मोशन को नोट करें. What would be the motion of this marker? ये कौन सा rotation कहलाएगा? That would be anti-clockwise. उसी लिए हम simply कह सकते हैं कि theta 90 पे जब आप जाएंगे ना, तो you can have anti-clockwise maximum torque. चलो, 270 किसको कहते हैं? इस negative y plane पे. अच्छा, negative y plane पे मतलब नीचे की तरफ अगर हम force लगा दें, तो what can be the net motion of this marker? It will be all about we can say clockwise rotation. तो आप simply कह सकते हैं the torque would be clockwise hereafter. ठीक है? तो torque physical quantity vector कैसे पैदा होती है उसका detail हो गया, formula mathematical concept ये सारे कुछ हो गए. ठीक है? तो all the properties of vector product are equivalently applicable in the case of this torque. क्योंकि ये खुद एक vector product है. ठीक है? चलें. अब एक बात और इसी properties के हिसाब से देखें सर. मिसाल की तौर पे अगर पोजीशन वेक्टर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब आई जे के प्लेन में, और जो अप्लाइड आपका फोर्स है दैट इज आल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आई जे के, अगर ये दोनों इस तरह से बात की जाए, कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी पॉसिबिलिटी फॉर दिस टॉर्क नाउ? टॉर्क क्या बनेगा? बड़ा सादा है, आपको चैप्टर नंबर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट के केस में पढ़ाया गया वाज़े तौर पे कि व्हेन टू वेक्टर्स आर डिफाइंड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी वेल एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन, मैट्राइसिस फार्मूला. ठीक है? तो जो आपका टॉर्क बनेगा वो हम किस तरह से लिखते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई फर्स्ट रो इज फिक्स्ड फॉर पोजीशन वेक्टर, अपना जो यूनिट वेक्टर आई जे के उनके लिए. अच्छा, सेकेंड रो इज फिक्स्ड फॉर योर फर्स्ट वेक्टर ऑफ ऑर्डर, तरतीब को फॉलो करने का. अच्छा, तो इट वुड बी लाइक दैट. अच्छा, जो थर्ड रो है दैट इज फॉर सेकेंड वेक्टर बी, बी की जगह यहां पे क्या है, एफ है. तो आप सिंपली कह सकते हैं दैट वुड बी एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड. आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, जो आपको जवाब मिलेगा दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, टॉर्क मिलेगा आपको सिंपली. बात आई समझ में? चलो ठीक है, यूनिट क्या होगा सर? बड़ा सिंपल है बेटा, टॉर्क इज ऑल अबाउट वी कैन से आर इन टू एफ, मैक्सिमम के हिसाब से बात की जाए. अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ दिस आर? मीटर, डिस्प्लेसमेंट जो है, मोमेंट आर्म जो है, लेंथ है. अच्छा, व्हाट कैन बी द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स? इसका न्यूटन है, तो मीटर इंटू न्यूटन लिखें, पर इसको हम इस तरह से लिखते हैं दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है? तो न्यूटन मीटर कैन बी पॉसिबल यूनिट ऑफ दिस टॉर्क. अच्छा वाला सर, हम इसको न्यूटन मीटर की जगह जूल लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क जो आपने पढ़ते हैं ना एफ इंटू डी, तो वहां पे जो न्यूटन मीटर है उसको आप तो जूल लिखते हैं. क्या हम यहां पे न्यूटन मीटर की जगह जूल लिख सकते हैं या नहीं? नो. क्यों? क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट था जिसने हमें एनर्जी के बारे में बताया, और जो वर्क है दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से अगर एनर्जी होगी तो आप वर्क डन कर सकते हैं. इसका मतलब है वर्क और एनर्जी एक अलग चीज है जिसका कॉन्सेप्ट जूल ने दिया था, और उसी लिए हम उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल. पर यहां पे एक अलग सीन है, ये टॉर्क आपका वर्क या एनर्जी थोड़ी है, ये टॉर्क एक एजेंट है. जो एजेंट है वो किस चीज का या किस तरह का, आप सिंपली कह सकते हैं फोर्स की तरह. जैसे फोर्स का काम क्या होता है, बॉडी को डिस्प्लेस कराना, तो यूं टॉर्क का काम क्या होता है, बॉडी को रोटेट कराना. तो एजेंट है यार, ये वर्क थोड़ी है, ये एनर्जी थोड़ी है.
तो यू कैन नॉट इक्वलेंटली मेजर इन टर्म्स ऑफ जूल हियर इन दिस केस. कुड बी डायमेंशनल इक्वल टू वर्क बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जूल. तो आप सिंपली कह सकते हैं इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर. आप इसको जूल नहीं कह सकते. हाँ, दैट इज अनदर केस के इट इज डायमेंशनली इक्वल टू वर्क. डायमेंशन इत्तेफाक से वर्क वाला वही होगा. अच्छा, क्या मतलब कैसे होगा? न्यूटन को हम किस तरह से लिखते हैं? एम एल टी पावर माइनस टू. मीटर बोले तो एल. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव डायमेंशन ऑफ टॉर्क इन दिस वे. वर्क एंड टॉर्क आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉन्सेप्ट एक्चुअली. ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी इस तरह से. अच्छा सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर है ना, क्या हम इसको ऐसे लिखें तो चलेगा? मिसाल के तौर पे न्यूटन इनटू मीटर है, पर यहां पे मैंने लिखा मीटर न्यूटन. मिसाल के तौर पे एंट्री में सवाल आ जाए इस तरह से कि एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज. अच्छा, तो सवाल आए कि भाई एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ऑप्शन ए एम कैपिटल एन, ऑप्शन बी एन कैपिटल एम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और डी में इस तरह से जूल. कैन यू टेल मी व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर? आप बोथ को टिक करेंगे या खाली एन एम को टिक करेंगे या एम एन को टिक करेंगे? यू नीड टू गो थ्रू एन एम ओनली, बोथ नहीं कर सकते. क्योंकि जब आप एम इंटू एन लिखते हो ना, तो जो पहले वाला एम है ना, ये हम सब मल्टीपल समझते हैं. दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ मिली. इसको मीटर हम नहीं समझते सर, वो हम लिख सकते हैं ना मीटर इंटू न्यूटन. लेकिन भाई आपकी सोच है ना, पर जो स्टैंडर्ड लिखने का अंदाज होता है या जो तरीकेकार होता है वो कुछ इस तरह से कि हमेशा की तौर पे जो मल्टीपल या सब मल्टीपल है हमेशा की तौर पे यूनिट से पहले लिखा जाता है. फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से पहले लिखा जाता है. जैसा कि किलोग्राम, ग्राम यूनिट है, किलो पहले आ गया आपका. मिलीमीटर, पहले वाला मिली है, सब मल्टीपल है, और उसके बाद आपने यूनिट दे दिया. तो इसका मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है ये मिली न्यूटन है. दैट इज नॉट मीटर न्यूटन एक्चुअली. स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो ही नहीं सकती. उसी लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि बोथ पे नहीं जाएंगे आप. आप इसका यूनिट एन इंटू एम जो होगा दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि पहले वाला एम अगर लिखा तो इट वुड बी सब मल्टीपल, इट वुड बी यूनिट ऑफ फोर्स. अगर आए एम कैपिटल एम किसका यूनिट अगर पूछे तो दैट वुड बी द यूनिट ऑफ फोर्स नॉट टॉर्क. क्योंकि ये हम क्या समझेंगे इसको? मिली न्यूटन इसको हम देखेंगे. इट वॉन्ट बी लाइक मीटर न्यूटन. ओके, तो टॉर्क होता क्या है, प्रोड्यूस कैसे होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो थोड़ी बहुत बातें इसकी हमने डिस्कस की. ठीक है, अब इसके चंद हम एमसीक्यूज भी करते हैं. आप फिलहाल इसको नोट कर लें.